नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आइए आज के समाचार की तरफ आपको ले चलते हैं। ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मार्शलनी मेला 21 से 23 जून 2019 को सोलन के थोड़ो मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसका आगाज मार्शलनी की देवी की पूजा और शोभा यात्रा से होगा। इसके अलावा 3 दिन तक सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाएगी। इसमें पहाड़ी और पंजाबी कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। मार्शलनी की शोभा यात्रा का पुरानी कचहरी में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल स्वागत करेंगे। इसके बाद मुख्य अतिथि सांस्कृतिक संध्या का भी शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान डीसी विनोद कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मेले के उपलक्ष्य में इस बार संस्कृत कॉलेज के हॉल में कवि सम्मेलन भी किया जाएगा। डीसी विनोद कुमार ने बताया कि पहले सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी और फिल्मी गीतों की धूम रहेगी। एसडीएम सोलन विवेक चंदेल ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में गीता भारद्वाज और नाटी किंग विक्की चौहान दर्शकों को नचाएंगे। इसी तरह दूसरी सांस्कृतिक संध्या में कृतिका तनवरी, हंसराज भारद्वाज और अनु शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। हंसराज भारद्वाज भोले बाबा जी के भजन के लिए काफी प्रसिद्ध हुए हैं। इस संध्या के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर होंगे। इन सांस्कृतिक संध्या के स्टार कलाकार बॉलीवुड सिंगर पूर्व शिवा और पंजाबी सिंगर सत्येंद्र सरताज होंगे। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सरन बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। श्री मधुसूदन ने बताया है कि मेले के दौरान माता की शोभा यात्रा और सुरक्षा के यातायात व्यवस्था के लिए 500 सुरक्षा कर्मी वर्दी और सादे लिबास में तैनात रहेंगे। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस और स्काउटिंग गाइड के स्वयंसेवक पुलिस का सहयोग करेंगे। इस बार कबड्डी, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन के अलावा हैंडबॉल, वॉलीबॉल और कुश्ती प्रतियोगिता भी होगी। एसडीएम रोहित राठौर ने कहा कि मेले के दौरान सफाई व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी रहेंगे। गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के शहर में भंडारा लगाने की भी अनुमति नहीं होगी। हर साल की भांति इस साल भी शुलनी मेला जो है 21 जून से लेकर 23 जून तक होगा, 3 दिन चलेगा। और इसमें एडिशन है, इस बार एक तो योग को एडिशन किया गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है जो 21 जून को ही आ रहा है, तो मॉर्निंग उसका 22 और 23 को भी योग की सेशन चलेगा। जहाँ तक हमारी कल्चर एक्टिविटीज़ का है तो सतेंद्र सरताज हमारे 23 तारीख को मेन पंजाबी कलाकार होंगे। बाकी स्थानीय कलाकार हमारे जो भी हिमाचल के अच्छे बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका दिया जा रहा है। साथ साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उसमें वॉलीबॉल है, वुमेन का भी है और मेल का है। साथ में एक हैंडबॉल भी एडिशन किया गया है। साथ में इस बार कवि सम्मेलन हमने एक इंट्रोड्यूस किया है और एक पशु प्रदर्शनी, इसमें गौ संवर्धन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। वो 21 तारीख को सुबह 8:30 APMC यार्ड के सामने उसका आयोजन किया जाएगा। पुलिस लाइन में मेन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और साथ में जैसे SP साहब ने ब्रीफ किया था, एक पुलिस का बैंड रहेगा 22 और 23 को परफॉर्म करने के लिए। जो भी परफॉर्म करना चाहता है उनका बैंड वहाँ पे प्ले करते रहेंगे और कोई भी कलाकार वहाँ पे करना चाहे तो कर सकता है उसमें। और भंडारों के लेके लास्ट टाइम भी पूरी कोशिश करी गई थी क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर भी था, इस बार भी समुचित उसके लिए व्यवस्था करी जा रही है। जितने भी भंडारे लगते हैं उनको प्रॉपरली उसकी लिटर ना करें और जो गंदगी फैलाते हैं या फूड को वेस्ट करते हैं वो ना हो सड़कों पे। उसमें इको क्लब के बच्चों का उसका स्कूल में से मदद ली जा रही है और प्लस हमारी पुलिस व्यवस्था और दूसरी म्यूनसिपैलिटी के एडिशनल टीम्स रहेंगी सफाई को लेकर। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। विल यू डाउट योर ड्रीम्स और डिसाइड टू सक्सीड एट शुलिनी यूनिवर्सिटी? You join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success.